हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर राहुल शर्मा। सो फाइनली वो दिन आ गया है जब हम शुरू करने जा रहे हैं 30 डेज चैलेंज। आज है उसका डे वन और डे वन को हम करेंगे चेस्ट, बैक एंड शोल्डर्स, लेकिन उससे पहले हम करेंगे वार्म अप। तो एक अच्छा वार्म अप इसलिए जरूरी है ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए और आने वाले इंटेंस वर्कआउट के लिए तैयार हो जाए। सो मेक श्योर आप फुल बॉडी स्ट्रेच जरूर करें। सो डे वन पर हम करने वाले हैं चेस्ट, बैक एंड शोल्डर। सो चेस्ट की जो पहली एक्सरसाइज है वो होगी इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस। इसके करेंगे हम 5 सेट, जिसमें होंगे रिपीटेशंस 20, 15, 10 एंड 15, 20। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत तेज एक्सरसाइज ना करें, बहुत फास्ट नहीं रहेगी आपकी स्पीड, आपको बहुत स्लो एंड बहुत आराम से वर्कआउट करना है। 2 सेकंड में आप नीचे लेकर आएंगे और 1 सेकंड में आप ऊपर लेकर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड 3 सेकंड इफेक्ट। इसके बाद करेंगे हम चेस्ट का सुपरसेट इंक्लाइन डंबल फ्लाई एंड फ्लैट बेंच बारबेल प्रेस। सो इंक्लाइन डंबल फ्लाई में आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है कि बेंच की पोजीशन 45 डिग्री पर हो। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है कि आप डंबल के वेट्स पर ध्यान नहीं देकर आप उसकी फॉर्म पर ध्यान देंगे कि एक्सरसाइज की फॉर्म कितनी अच्छी है। आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपनी मसल पर, मतलब कि अपने अपर चेस्ट पर, और प्रॉपरली उसको स्ट्रेच करेंगे। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच बारबेल प्रेस, जो कि आपका सुपरसेट है, तो आपको कंटिन्यू करना है। इसके बीच में आप कोई गैप नहीं लेंगे। सो जब भी आप वेट नीचे लेकर आए, 2 सेकंड इफेक्ट आपको अप्लाई करना है, और ऊपर ले जाते समय 1 सेकंड में आपको ऊपर लेकर आना है, मतलब 3 सेकंड्स में आपका पूरा ये एक रिपीटेशन पूरा होना चाहिए। 3 सेकंड इफेक्ट इज वेरी इफेक्टिव, जो कि आपको हर एक्सरसाइज में 30 डेज चैलेंज में यूज करना है। हमारा अगला सुपरसेट है बैक का, जो कि होगा लोअर बैक एक्सटेंशन इंक्लाइन बेंच डंबल रो एंड लेट पुल डाउन। सो सुपरसेट की पहली एक्सरसाइज करेंगे हम लोअर बैक एक्सटेंशन। इसके भी 5 सेट होंगे। मेक श्योर आपका फोकस आपके लोअर बैक पर रहे, उस मसल पर रहे जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद हम करेंगे सुपरसेट में इंक्लाइन बेंच डंबल रो। हमको बेंच 45 डिग्री पर रखनी है, वेट्स पर फोकस नहीं करते हुए हम केवल फॉर्म पर फोकस करेंगे, जो कि बहुत ही नेचुरल मोमेंट में जब आप डंबल को उठाते हैं तो वो जिस तरह से आएगा वो आपकी बैक मसल को प्रॉपरली हिट करेगा। फोकस करें अपनी बैक मसल पर, मिड बैक पर, जहां जिस मसल को ये टारगेट करेगी एक्सरसाइज,
इसके बाद हमारा अगला सेट है लेट पुल डाउन, अगेन इसके हम 5 सेट करेंगे। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपको कंबाइंड करनी है, इसमें कोई गैप नहीं होगा इन बिटवीन। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है बिकॉज इसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। जब आप नीचे लेकर आए तो प्रॉपरली आप अपनी मसल को स्क्वीज करें, ऊपर लेकर जाएं तो बहुत स्लोली आपको ऊपर जाना है। दैट 3 सेकेंड इफेक्ट मेक श्योर आप बीच में ज़्यादा रेस्ट ना लें और अपनी एक्सरसाइज पे फोकस आप रखें, बातें ज़्यादा ना करें जिम में और अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर करते रहें। तो हमारा अगला सुपर सेट है शोल्डर्स का, जो कि होगा पुश प्रेस बारबेल सीटेड लेटरल रेजेस एंड रियर डेल्टॉइड मशीन। सो फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस सुपर सेट इज पुश प्रेस बारबेल। सो आपको नीचे जाकर एक हल्का सा पुश लेना है ताकि आप उस बार को उठा पाए। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे एक हल्का सा पुश एंड अप। मेक श्योर के प्रॉपर जब नीचे लेकर आए तो धीरे नीचे लेकर आए। दैट 3 सेकेंड इफेक्ट यू हैव टू अप्लाई। नाउ सेकेंड कंटिन्यूअस में जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो होगी सिटेड लेटरल रेजेस। मेक श्योर आप जर्क ना लें, ऊपर जब लेकर जाएं तो 1 सेकंड में, नीचे आए तो 2 सेकंड में आप लेकर जाएं। वेट्स पर आप ज़्यादा फोकस ना करें बिकॉज ये पूरा चैलेंज वेट्स पर नहीं, ये फॉर्म पर और 3 सेकंड इफेक्ट पर डिपेंडेंट है। अब जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है रेड डेल्टॉइड मशीन। आप कभी भी ध्यान रखिए 20 रेपिटेशंस करने हैं, तो आप सोचिए कि अगर मैंने ज्यादा हैवी वेट लगा लिया तो 20 रेपिटेशंस वो भी एक एक्सरसाइज के, मतलब 3 एक्सरसाइज मुझे करनी है तो 60 रेपिटेशंस हो गए। सो आपको कंटिन्यूस 60 रेपिटेशंस करने हैं तो आपको लो वेट्स के साथ आपको वो एक्सरसाइज करनी है। सो मेक श्योर आप जब भी ये रेयर डेल्टॉइड मशीन लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बैक ना लेकर जाएं इसको, और बिल्कुल स्ट्रेट एल्बोज ना रहें, हल्का सा एल्बो सॉफ्ट बेंड रहेगा। ये वर्कआउट बहुत ही इंटेंस है, सो मेंटली आपको अपने आप को चैलेंज करना है और ध्यान रखना है कि हमें ये वर्कआउट किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। तो मेक श्योर आप अपने आप को हाइड्रेट करें और जैसे ही आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है तो आप अपना प्रोटीन लें, और एक्सरसाइज के इन बिटवीन अगर आप BCAA का इस्तेमाल करना चाहें तो वो ज़रूर करें बिकॉज वो आपकी एनर्जी को रिप्लेनिश करने का काम करेगा और
आपको इन बिटवीन द एक्सरसाइज वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ताकि आप एक्सरसाइज में पुश कर सकें और इस 30 डेज के चैलेंज को चैलेंज कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आज था ये डे 1 30 डेज के चैलेंज का। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। सो मेरे साथ ज्वाइन करें 30 डेज का चैलेंज और करें अपने आप को चेंज। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आपका डाइट प्लान मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो आप वहां से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मसल माफिया की तरफ से ये पूरा 30 डेज का प्रोग्राम और डाइट प्लान आप सबको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। आई लव यू ऑल। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड stay hydrated.